नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शेयर बाजार में लगातार बढ़ रहे विदेशी निवेश और घरेलू निवेशकों की संख्या के चलते प्रमुख इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इसमें सेंसेक्स 47,000 के पार और निफ्टी 14,000 के करीब कारोबार कर रहा है। अच्छी बढ़त के चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप भी 188 लाख करोड़ रुपए स्तर के करीब पहुंच गया है। खास बात यह है कि ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज बाजार की रैली को आगे जारी रखने का अनुमान जता रहे हैं। बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो सितंबर 2020 के अंत में 7.5% रह गया, जो इस साल मार्च के अंत में 8.2% और पिछले साल मार्च के अंत में 9.1% रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि इस दौरान बैंकों के जिन लोन का ब्याज 90 दिन से ज्यादा समय से बकाया है, उनका प्रतिशत बैंकों के कुल लोन के मुकाबले घटा है। इकोनॉमिक अफेयर्स के पूर्व सेक्रेटरी अतानु चक्रवर्ती निजी सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के अगले चेयरमैन हो सकते हैं। वे श्यामला गोपीनाथ की जगह लेंगे। श्यामला गोपीनाथ जनवरी में रिटायर हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पास मंजूरी के लिए चक्रवर्ती का नाम भेजा है। मंगलवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में कमी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 3 रुपए गिरकर 50,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी कमजोर मांग के चलते 499 रुपए गिरकर 68,318 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में डिलीवरी होने वाले सोने की कीमत 3 रुपए या 0.01% की गिरावट के साथ 50,010 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें 10,097 लॉट के लिए कारोबार हुआ। भारत के रिटेल मार्केट को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉलिफिक मार्केट माना जाता है। इस मार्केट में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए 2 अरबपति कारोबारियों में जंग चल रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में ऑनलाइन शॉपिंग में भारी उछाल आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल की पहली छमाही में रिटेल मार्केट का कारोबार कोविड-19 से पहले के 85% स्तर तक पहुँच सकता है। साल 2020 में मुकेश अंबानी का ज्यादातर समय फेसबुक, इंक, गूगल और वॉल स्ट्रीट दिग्गजों के मनुहार में ही बीत गया। इसमें वह इन कंपनियों से दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन जियो टेक में हिस्सेदार बनने की कहते आ रहे थे। भारत की वित्तीय स्थिति में कोविड-19 के चलते आई लड़खड़ाहट के बाद बड़ी तेजी से सुधार हुआ है। यह अब तो कोरोना वायरस के चलते पहली महामारी के पहले से भी बेहतर हो गई है। इन बातों का पता क्रिसिल रिसर्च के फाइनेंशियल कंडीशन इंडेक्स से चलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।